नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो 2021-2020 पीसीएस में यूपीपीसीएस में भाग ले रहे हैं। मेंस का सॉल्व पेपर है 2019 का, आज ही एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आया है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में है, एक पेज ऐसे, दोनों साइड से एक पेज आता है, आपको उसी में पूरा करना है। एक एक पेज मतलब दोनों साइड का एक एक पेज। दूसरा प्रश्न है, 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लोह खनिज की भूमिका का वर्णन की। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला, ये ट्रेडिशनल प्रश्न है। मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, ट्रेडिशनल प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन, ट्रेडिशनल प्रश्न है। भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण की मूल बाधाओं का परीक्षण, ट्रेडिशनल प्रश्न है। हेरिटेज आर्क क्या है, थोड़ा पुराना पूछ लिया, कोई बात नहीं है। पर्यटन संभावनाओं से दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व, आर्क माने चाप और हेरिटेज विरासत चाप, आगरा, लखनऊ, बनारस। आगे चलते हैं, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते पहुंचते ये तूफान छीण हो जाते हैं, कारण सहित स्पष्ट करें। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएं पूछी गई हैं, लघु पूछी गई हैं, दिमाग में रखिए। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, जिन्होंने बीएड बीटीसी किया है उनका ये प्रश्न अच्छा हुआ होगा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, ट्रेडिशनल प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयास, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। धर्म तथा निर्जाति हिंसा की राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्षवाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है। भाई ये मैंने प्रश्न देखा नहीं अभी तक, कहीं भी कोई मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, मतलब आईएएस का भी ये प्रश्न आया हुआ नहीं है। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्या की विवेचना कीजिए, ट्रेडिशनल प्रश्न है। गंगा मैदान में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। वायु की अप्रदनात्मक और तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। उत्तरी यार पवन, वो वाली ट्रिक है इसकी, अप्रदनात्मक शक्तियों की। उत्तरी अंध महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारतीय तटीय क्षेत्रों की संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहेगी। हैव अ नाइस डे, बाय।